हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आधार चिल्ड्रन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्रयास में आपका स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है, ये क्लास सिक्स के लिए है और सब्जेक्ट होगा मैथ। अभी ये क्लास सिक्स के मैथ का पहला वीडियो होगा, इसलिए सब लोग केयरफुली देखो, आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सबके पास ये बुक होगी, है कि नहीं? सब लोगों ने खरीदी होगी। हाँ, जिन्होंने नहीं खरीदी है वो जल्दी जल्दी खरीद लें। ये बुक है एडवांस मैथमेटिक्स क्लास सिक्स। इसका जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है? हाँ, सब लोग तुरंत खोलो पेज नंबर 9 और मेरे साथ बोलो, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, और पहला चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स नेचुरल एंड होल्स। पहला चैप्टर है, हम अपने नंबर्स को जानेंगे। इसमें कुल मिला के नंबर्स के बारे में ज़्यादातर चर्चा होगी कि नंबर्स हैं, कैसे हैं, क्या है, और मेनली टू टाइप के नंबर्स पर फोकस किया जाएगा, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ये सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे भी लिख दी हैं। क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स नेचुरल एंड होल्स। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सब लोग देख लो क्या होते हैं नंबर। अभी हम क्या करते हैं कि अपने लाइफ में हर रोज़ ना जाने कितने टाइप की चीज़ों को गिनते रहते हैं, तो गिनने में किसका यूज किया जाता है? नंबर्स का। तो नंबर्स ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम चीज़ों को गिन पाते हैं और बहुत सारे कैलकुलेशन कर पाते हैं। ऐसा सिस्टम जिससे हम खूब कैलकुलेशन करते हैं जितने भी ज़रूरत हो और चीज़ों को गिन पाते हैं, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हाँ, इसी पर चर्चा होगी। सबसे पहले नंबर्स को कैसे लिखा जाता था प्राचीन काल में, आप जानते हो एंशियंट में कि आदि मानव कैसे रहते थे। धीरे धीरे वो लोग थोड़ा सिविलाइज हुए, थोड़ा उन्होंने कपड़ा पहनना सीखा, ऐसे करके बहुत निरंतर हम लोग बढ़ते रहे आगे। तो नंबर्स कैसे आए, ये वहीं से, इसका आदि मानव से ही इसका संबंध है। पहले जैसे लोग पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे, तो कितने औजार हैं, 1, 2, 3, इसको भी उन्हें गिनना पड़ता था, और कितने जानवरों का शिकार किया, इस टाइप की चीज़ें। तब से ही नंबरों की ज़रूरत महसूस हुई, तब से ही नंबरों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग बनाने लगे थे सिस्टम। पहले जैसे मान लो हमको 3 लिखना होता है, 3 रिप्रेजेंट करना होता था, तो कैसे करते थे? मान लो ऐसे 3 गोले बना देते थे, ये 3 था। अब मान लो हमें 9 लिखना है, तो ऐसे हमको 9 गोले बनाने पड़ेंगे। तो क्या देखो, ये लिंदी नहीं हो जाएगा? अगर कोई और बड़ा नंबर होगा तो इस सिस्टम से कि जितनी चीज़ें हों उतने छोटे छोटे गोले बनाओ, तो ये नंबर कोई अगर 9 को ऐसे लिखे तो 100 को लिखने के लिए 100 गोले बनाने पड़ेंगे, तो ये गलत। पहले इसी टाइप के कुछ सिस्टम चलते थे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे जब सभ्यता आगे बढ़ी, सिविलाइजेशन आगे आई, तो नंबर्स भी एडवांस होते गए। तो जैसे आप जानते हो कि यूरोप में जो नंबर सबसे पहले यूज किए जाते थे वो रोमन नंबर हैं। रोमन नंबर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे 1 को ऐसे करते हैं, 2 को ऐसे करते थे, देखो 2 लाइन, 3 को ऐसे 3 लाइन बनाई, कुछ वैसा ही जैसा एग्जांपल मैंने अभी गोले वाला बताया था, और 4 को कुछ ऐसे करते थे, 5 को ऐसे करते थे। इस टाइप उन्होंने संकेत बनाए थे कि बहुत बड़ा ना होने पाए। हमारे इंडिया में भी हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ था। आपको पता है, जब आप किसी दुकान पर जाते होगे यहाँ भी, तो आप जब देखते हो कि दुकानदार जब पर्चा बनाता है, तो वो कुछ हिंदी टाइप की कुछ ऐसी गिनती लिखता है, ऐसे 1 को ऐसे लिखेगा, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को कुछ ऐसे, और 5 को कुछ ऐसे। ये सिस्टम अपने यहाँ चलता था। और हमारे यहाँ मज़े की बात ये थी कि किसी भी दुनिया के नंबर सिस्टम पे 0 मौजूद नहीं था, पर हम लोगों ने 0 भी अपने नंबर में शामिल किया हुआ था, इसीलिए कहा जाता है 0 भारत ने दिया था। तो ये नंबर सिस्टम इंडिया में पहले सबसे चलता था। तो क्या हुआ कि इंडिया के संपर्क में जब अरब के लोग आए, तो उन्होंने देखा कि यार ये नंबर सिस्टम तो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट तो दुनिया का कोई नंबर सिस्टम नहीं है। एक जहाँ 9 तक हो जाएगा, तो 10 के बाद ऐसे 1, फिर 0। ये 0 के द्वारा हम बहुत छोटे में बहुत बड़े बड़े नंबरों को लिख सकते हैं। तो फिर ये नंबर सिस्टम जो हमारा नंबर सिस्टम था, इंडियन या हिंदू नंबर सिस्टम था, इसको अरब के लोगों ने सीखा। अब यूरोपियंस ने इस नंबर सिस्टम को अरब के लोगों से जाना, तो उन्होंने जो ये इंडियन सिस्टम था उसको इन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स बोला, क्योंकि उन्होंने अरब से सीखा था जबकि ये इंडिया में थे। तो कुछ इन्हीं से मिलता जुलता जो नया इंटरनेशनल सिस्टम बना है, जिसको अब इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम बोला जाता है, कुछ ऐसा है, 0 को एज इट इज ऐसा ही, 1 को कुछ ऐसा, 2 को लगभग मिलता जुलता है, और 4 को कुछ ऐसा, 5 को लगभग मिलता जुलता है, ऐसे करके। ये जो नया नंबर सिस्टम है, ये इंडियन रियल में ये इंडियन ही है, पर इसको बोला जाता है अरेबिक न्यूमरल्स या इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। इन गिनतियों को इंडो अरेबिक न्यूमरल्स बोला जाता है।
तो यही इंटरनेशनल गिनतियाँ हैं, आज के डेट में इन्हीं का प्रचलन है, हम सारे कैलकुलेशन इन्हीं नंबर्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई बड़ा नंबर लिखा होता है तो उसके पढ़ने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा मेथड होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब होता है किसी बड़ी डिजिट को लिखना, ओके, बड़ी आई एम सॉरी डिजिट नहीं, किसी बड़ी नंबर को लिखना, ओके, ये होता है न्यूमरेशन। तो इसको किसी बड़े नंबर को दो टाइप से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, एक है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि कहीं ये बड़ा सा नंबर एक लिखने की कोशिश करते हैं, मान लो ये है, ये नंबर सिस्टम, इसको देखेंगे हम, इसको इंडियन में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। क्या है कि ये अभी इंडियन में ये 2934 लिखा है, इंटरनेशनल में भी यही लिखा है, लेकिन अगर कोई और बड़ा नंबर आएगा तो दोनों सिस्टम में डिफरेंस आ जाएगा, उसे देख लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में सबसे पहले जो होता है वो होता है वन, वन के बाद टेन, टेन के बाद हंड्रेड, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लाख, लाख के बाद टेन लाख, टेन लाख के बाद करोड़, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ और इधर टेन करोड़। तो आप देखो ये है पूरा, ये एक पोर्शन बना, वन से लेके हंड्रेड तक इसको एक पोर्शन में रखते हो, एक पीरियड में रखते हैं, वन टेन हंड्रेड। दूसरा पीरियड बनेगा ये थाउजेंड का बनेगा, देखो ये थाउजेंड है, ये टेन थाउजेंड है, दोनों में थाउजेंड आ रहा है ना, ये दूसरा पीरियड है। तीसरा पीरियड लाख का बनेगा, ये देखो ये लाख है, ये टेन लाख है, तो ये भी लाख का पीरियड है। ऐसे करके ये वाला भी करोड़ और टेन करोड़ दोनों को शामिल करेगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पहला पीरियड तीन चीज़ों को कवर करता है, लेकिन इसके बाद हर एक पीरियड जो है इधर इधर आने पे, लेफ्ट साइड आने पे, दो दो को कवर करेगा। ये पीरियड इस पीरियड में देखो तीन चीज़ें हैं, वन टेन हंड्रेड, और इस पीरियड में थाउजेंड टेन थाउजेंड दो चीज़ें, इसमें भी लाख टेन लाख टू चीज़ें, इसमें करोड़ टेन करोड़ टू चीज़ें। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला पीरियड होता है, सबसे राइट साइड का जो होगा वो उसमें होंगे तीन चीज़ें, तीन चीज़, ठीक है। अब इसमें दो, इसमें दो, इसमें और फिर दो दो, ये वाला पोर्शन बोला जाता है वन का पीरियड, ठीक है, ये है वन का पीरियड, पीरियड ऑफ वन, कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके हंड्रेड तक, ये है वन का पीरियड और ये है थाउजेंड का पीरियड, ठीक है, और ये हो जाएगा लाख का पीरियड, और ये करोड़ का, ठीक है। तो देखो इंडियन में तीन डिजिट इधर, फिर दो दो का ग्रुप बनाते हैं, इसीलिए जब इंडियन नंबर सिस्टम से हम किसी नंबर्स को पढ़ते हैं तो उसमें कामा जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है, इसमें जब कामा लगाएंगे तो पहले मान लो और थोड़ा बड़ा है, तो पहले इधर से तीन डिजिट पे, फिर दो दो पे, अब यहाँ पे कुछ होता तो कामा लगा देते, समझ में आया कि नहीं, ऐसे कामा लगाएंगे। ये वाला पोर्शन किसका है, वन का, ये वाला पोर्शन है थाउजेंड का, और ये वाला पोर्शन है लाख का। तो कैसे पढ़ोगे, ये 29 है ना कामा की इधर, तो इसको बोलोगे 29 लाख, क्योंकि ये पोर्शन किसका है, ये पीरियड किसका है, लाख का, 29 लाख 70,000 764, इसको वैसे पढ़ देना है 764, बाकी ये जहाँ का जो पीरियड होगा उसका नाम ले लेना है, जैसे थाउजेंड का पीरियड तो 70 बोलो, उसके बाद थाउजेंड बोलोगे, इसके बाद ये लाख का पीरियड है तो 29 बोलो, उसके बाद लाख बोलोगे, ठीक है। ऐसे करके कामाज लगाते हैं इंडियन नंबर से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। बड़ी डिजिट को लिखने, बड़ी नंबर को लिखने के लिए जो दूसरा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। न्यूमरेशन मींस किसी भी बड़े नंबर को लिखना, किसी भी नंबर को लिखना न्यूमरेशन है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे किनारे पे वही वन, फिर टेन, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड,
फिर इसके बाद देखो इंडियन में क्या आ जाता था, फिर लाख आ जाता था, लेकिन यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000 आएगा। यहाँ पर देखोगे कि आपकी हर पीरियड में तीन चीज़ें होंगी, यहाँ पे आगे ये 1,000 है, ये 10,000, फिर क्या लिख दिया 10,000, फिर इसके बाद 100,000। अब यहाँ से पीरियड बदलेगा, फिर अब 1,000 नहीं रह जाएगा, अब आ जाएगा मिलियन, तो फिर मिलियन। आपने सुना होगा ये जो YouTube वगैरह में आप वीडियोस देखते हो तो इसमें व्यूज़ वगैरह किस में नापते हैं, या तो 1,000 में नापेंगे, जब तक 1,000 में रहेगा तो के, नहीं तो मिलियन में आ जाएगा। कई कई वीडियोस में तो बिलियन व्यूज आते हैं ना, तो मिलियन के बाद फिर बिलियन आता है, और मिलियन के बाद फिर क्या आएगा, 10 मिलियन, है ना। देखो ये पीरियड, ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, 1, 10, 100। तो यहाँ पे 1,000 है, ये 10,000, 100,000, अब फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसके बाद फिर आ जाएगा बिलियन, जो कि अभी लिखने की जगह नहीं यहाँ पे बची है, आप सिर्फ सुन लो, यहाँ पे बिलियन आ जाएगा। देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। देखो यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये 1 का हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा किसका, 1,000 का, और ये पोर्शन हो जाएगा मिलियन का। और हर पोर्शन में, हर पीरियड में देखो तीन तीन चीज़ें आ रही हैं ना, तीन तीन चीज़ें, 1, 10, 100, इसमें 1,000, 10,000, 100,000, इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें जब हम इस सिस्टम से हम किसी नंबर को पढ़ेंगे तो उसमें जब कामाज लगाएंगे तो कैसे तीन तीन पे कामाज लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर लिखेंगे उस पर कामाज लगा के इस सिस्टम से पढ़ते हैं। मान लो ये नंबर लिखा है, इसमें हम कैसे कामाज लगाएंगे, इधर से तीन यहाँ पे, फिर तीन पे। ये थोड़ा सरल है क्योंकि इसमें सब में तीन तीन पे ही है। इंडियन में क्या होता था कि पहले यहाँ पे तीन में, फिर दो दो पे लगते थे, लेकिन इंटरनेशनल में सब में तीन तीन पे लगते हैं। अब ये पोर्शन 1 का है, ये पोर्शन 1,000 का है, और ये पोर्शन किसका है, मिलियन का है ना। तो क्या पढ़ेंगे, 39,472,472 लिखा है ना ये, तो 472,008, ओके। तो क्या हो गया ये, फिर से बोलो मेरे साथ, 39,472,008, ओके, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कैसे इंटरनेशनल में लिखा जाएगा, कैसे कामाज लगेंगे, इंटरनेशनल पे सब कामाज तीन तीन पे, ठीक है। इस वीडियो में हमने न्यूमरेशन सीखा है कैसे, इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से, दोनों सिस्टम को हमने सीख लिया है। अब हम एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे।